नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। ग्राम कुसोर में 5 मई को करीब 3 लोगों ने मिलकर हिंसा फैलाने के चक्कर में गाय को काट कर कुएं में फेंक दिया था, जिसमें ग्राम में हिंसा भड़क उठी थी और मस्जिद और घरों की तोड़फोड़ कर दी थी। कुछ लोगों ने मिलकर ग्राम के मुस्लिम लोगों ने, जो मुस्लिम व्यक्ति था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया तत्काल। लेकिन उसमें जो 2 लोग फरार थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई एवं और जिन्होंने मस्जिद और ग्राम के लोगों के घरों की तोड़फोड़ की उन पर कार्रवाई कराने के संबंध में आज ग्राम के मुस्लिम भाई एकजुट होकर आए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला को आवेदन देने। विदिशा से संवाददाता रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। मोहम्मद अली जी, कहाँ से आए आप? खुसौर ग्राम पंचायत पैरवासा थाना से हम लोग आए। क्या समस्या थी आप कलेक्ट्रेट आए? 5/5/2005 को रात में 3 बजे गंगाराम कुशवाहा ने एक लावारिस गाय को वहाँ बांध रखा था और ये उनका मकसद ये था कि इस गांव में कुछ बड़ा कांड करके हमें गांव वालों को परेशान करना है। उसमें एक मुसलमान लड़का अरमान नाम का था और उसको भी उन्होंने शामिल किया था गाय काटने में। काफ़ी दिनों से वो धंधा कर रहे थे और उस दिन रात में 3 बजे उन्होंने गाय काटने के लिए खोलकर उन्होंने सौंप दी। लड़का एक सुशील भी था उनमें साथ में। तीनों लोगों ने शामिल होकर के वो गाय काटी और एक कुएं में फेंक दिया था उनको, उस गाय को। और कुएं में फेंकने के बाद जब सवेरा लोगों को पता चला, उन्हीं लोगों ने सब गांव को, गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस की 3-4 गांव को बुलाया, इकट्ठे किया, भीड़ इकट्ठी करी और धार्मिक उन्माद पैदा किया। मस्जिद में तोड़फोड़ करी, घरों में लूटपाट करी, दुकानों में तोड़फोड़ करी, लूटपाट करी, लोगों के जेवर चुरा ले गए, दहेज का सामान रखा था वो चुरा ले गए। और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पहुंच चुकी थी लेकिन जब तक वो अपना ये सब हादसा कर हो चुका था। उसके बाद पुलिस पहुंची तो कुछ 1-2 लोग जो वहाँ पर गांव में मौजूद थे उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस के सामने उनका हादसा भी बताया, जो आँखों में देखा हाल था उन्होंने पूरा बयान किया। और पुलिस वालों ने उम्मीद करी थी, उनको तसली दी कि आप बेफिक्र रहो, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो अरमान लड़का था मुसलमान, उसको मुसलमान भाइयों ने पकड़ के उस ऊपर हाल के पुलिस को सौंप दिया था। वो भाग रहा था लेकिन हमारे मुसलमान भाई ने पकड़ करके उसको सौंपा। और उसके बाद में हमें उम्मीद कर रहे थे कि कुछ दूसरे लोग जो जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो साथ थे, जबकि पुलिस ने भरोसा दिलाया था। लेकिन हाँ, उन्होंने नाम भी लिखे थे, नाम लिखे गए थे कि कौन कौन आदमी, सब नाम पते बताए गए थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज कलेक्ट्रेट आए क्या? हाँ, इसमें FIR दर्ज हुई थी, अज्ञात नाम से दर्ज कर ली थी। अज्ञात पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं ऐसा हम जानते हैं, और लेकिन हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम आज SP साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसके खिलाफ जो मस्जिद में तोड़फोड़ करी है, ये हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाएगी। हम मुसलमान कब तक भरोसा करेंगे? कब तक हम न्याय पर भरोसा करेंगे? कब तक अधिकारियों पर भरोसा करेंगे? जो आज आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।